हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईटीपी जोन। माई सेल्फ ऋषिराज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रिएक्शन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पूरे रिएक्शन को करने के लिए सिर्फ दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है प्योर कंपाउंड और एक होता है इम्प्योर कंपाउंड। तो हम एक एक करके इसको हम देखेंगे, प्योर कंपाउंड कैसे हम निकालते हैं, इम्प्योर कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहां से देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप ए लगा दी और यहाँ पे इसके साथ एक ग्रुप बी है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है, इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। एक को करते हैं प्योर में, एक को करते हैं प्योर कंपाउंड में। एक होता है प्योर कंपाउंड में और एक को करते हैं इम्प्योर कंपाउंड में। एक होता है प्योर कंपाउंड और एक होता है इम्प्योर कंपाउंड। अब यहां से देखेंगे प्योर कंपाउंड हम कैसे करते हैं, प्योर कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं कि अगर कोई कंपाउंड गिवन है प्योर है या इम्प्योर है, उसको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से दो तरह से देखा, एक को प्योर में किया और एक को इम्प्योर में। अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होता है, जो कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो करता है वो कंपाउंड प्योर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से लिखे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ए ग्रुप है और यहाँ पे बी ग्रुप लगा दिए। देखो यहाँ पे ग्रुप एक ए है और यहाँ पे बी है। इसमें करते क्या है, जो ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसको कार्बन के साथ हम चेक करते हैं, उसी तरह से बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ कंडीशन होता है, अगर कोई कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है इसके अंदर कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन होता ही है कि यहाँ पे जो ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लेस देन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, पहला। सेकेंड, जो बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लेस देन इक्वल टू कार्बन। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एबी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन को हम चेक करते हैं। अगर कोई कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो करता है वो कंपाउंड प्योर होगा। उसी तरह से आते हैं इम्प्योर के लिए। तो यहाँ पे ले लिए कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, अब उसके यहां देखो एक ए है और यहां पे बी है, इसके अंदर भी कुछ कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन में होते क्या है कि यहां पे ए ग्रुप जो ग्रुप लगा हुआ है ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं और बी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। उसी तरह से यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एबी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड कोई भी कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो इम्प्योर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला यहां पर लिए फॉर्मल डिहाइड, यह है फॉर्मल डिहाइड, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, कम होता है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्योर। ठीक है, सेकंड लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। यहां पे देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के अंदर कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन का इक्वल है। ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन से कम है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्योर। नेक्स्ट यहां पर ले लिए साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन में देखो यहाँ पे कार्बन ए कार्बन और ए कार्बन, इसको हमने माना ए और इसको माना बी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का इक्वल है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का इक्वल है, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्योर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपाउंड इस कंडीशन को फॉलो करेगा अगर, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, प्योर। अब आते हैं इम्प्योर के अंदर। तो देखो इम्प्योर में देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे हम ले लिए MeCOCl। अब यहां पे चेक करो,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का इक्वल है, बट यहाँ पे सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या ज्यादा है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? इम्प्योर। किसके कारण? ड्यू टू क्लोरीन। ये कंपाउंड क्या हुआ? इम्प्योर, इम्प्योर ड्यू टू क्लोरीन। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कार्बन से ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे कंपाउंड इम्प्योर है ड्यू टू ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? इम्प्योर। थर्ड कंपाउंड हमने ऐसे लिया, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उस कार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है, ये भी कंपाउंड क्या कहलाएगा? इम्प्योर। तो इस तरह से हम कंपाउंड प्योर और इम्प्योर को डिफाइन करते हैं, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं कोई सा भी रिएक्शन, कोई सा भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो ही तरह के कंपाउंड आते हैं, एक आता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, इसी पे पूरे रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके।